नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। अभी की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, 28 दिन, सिर्फ 28 दिन बच गए हैं लोकसभा चुनाव के, मतलब कि एक महीने से भी कम। और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ही फैसला आ गया है राम मंदिर के विवाद पे। जी हाँ, वो फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता को ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप 8 हफ्ते के अंदर निर्णय लीजिए, रिपोर्टिंग करिए और उसके बाद हमें बताइए कि हमें क्या फैसला लेना चाहिए। अब इस मध्यस्थता में कौन कौन से लोग आते हैं, इस मध्यस्थता को देखेंगे श्री श्री रवि शंकर और श्री राम पंचू। ये मध्यस्थता की कार्रवाई जो होगी वो होगी फैजाबाद में। बहुत ही निर्णायक फैसला होगा क्योंकि राम मंदिर का विवाद बहुत ही समय से चला आ रहा है और हमारे देश में इसको लेके बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी और सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। रामलला की मूर्ति बनानी चाहिए और बिल्कुल बननी चाहिए, इस पे सभी लोगों का मत है, लेकिन कैसे बनेगी, किसको कितनी ज़मीन मिलेगी, किस तरीके से ये होगा, इस मामले को लगता है अब सुलझा लिया जाएगा। 8 हफ्तों का समय दिया गया है, 8 हफ्तों के अंदर पक्षधरों को अपना अपना मत बताना है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 8 हफ्तों की बात की जा रही है तो इसका मतलब कि लोकसभा इलेक्शन के समय ही ये फैसला आ जाएगा कि रामलला का मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं रामलला के मंदिर का और शायद ये इंतज़ार अब जाके थमेगा और ख़त्म होगा। ये बहुत बड़ी घटना होगी, ना ही सिर्फ इस देश के लिए, ये घटना बहुत बड़ी होगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए भी। ये लोकसभा चुनाव का रुख भी बदल सकता है, तो इसलिए इस फैसले का इंतजार पूरे के पूरे भारतवर्ष को है। पिछली सुनवाई में जस्टिस बोबडे ने ये कहा है कि हमने इतिहास पढ़ा है और इतिहास में क्या हुआ है हमें इसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अगर बाबर ने मंदिर बना दिया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पे, इस विवाद पे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब देखते हैं कि ये मध्यस्थता जो बनाई गई है ये क्या रिपोर्टिंग देती है। सबसे मुख्यतः बात ये है कि मीडिया और प्रेस को इस सारी की सारी रिपोर्टिंग से, इस सारी की सारी जांच से अलग रखा गया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस पूरे के पूरे विवाद को एक मीडिया ट्रायल बना दिया जाए। वो चाहते हैं कि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और देश भर में जिस सबकी जो आंखें लगी हैं उनको इंसाफ मिलने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और राम मंदिर के बारे में आपके क्या ख्याल है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करेगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा। नमस्कार, जय हिंद।